कैमूर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर हुई लूट का खुलासा करते हुए लूट में शामिल तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के पास से देशी कट्टा, मोबाइल सहित लूट के रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि चैनपुर थाना क्षेत्र के भुआलपुर से जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष के पेट्रोल पंप से बदमाशों ने 42,600 की लूट को अंजाम दिया, जिसके बाद से ही पुलिस इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए शहर में छापे मार रही थी। मामला है 20 तारीख को भुआलपुर मुस्कान पेट्रोल पंप से तीन अपराधी कर्मी लूट किए थे, हथियार का भय दिखाकर। इस संबंध में 20 तारीख को ही कांड दर्ज किया गया था और अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया। त्वरित अनुसंधान कर इस घटना का उद्भेदन किया गया है। इसमें प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हथियार, साथ ही लूटी गई मोबाइल बरामद हो चुकी है और घटना में से में जो इन्होंने 42,600 रुपया लोग लूटा था उससे एक पल्सर और मोटरसाइकिल खरीदा गया है, उसे भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। जैसी कट्टा बरामद है 2500 रुपया भी बरामद हुआ है। पहले भी कहीं अंजाम दे चुके हैं क्या? इस संबंध में हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं और हो सकता है कि और कांड में उद्भेदन हो। सर, इन तीनों रहने वाले कहाँ के हैं? तीनों बेऊर के रहने वाले हैं, मानपुर बेऊर चैनपुरी के हैं। बदमाशों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।